कि कई दिन नहीं कई महीने हो गए आ, एक बीबी आ मतलब कनेडा तो आ नैनसी ग्रेवाल कि ओ भैन नू रब जाने भी सिखा नाल क्यों ए एलर्जी आ जां की मतलब आ की गल आ की बात आ। बहुत ज्यादा अपशब्द बोलती आ जिहड़े मंजूर नहीं गए सिख कौम नू मंजूर नहीं गए अपशब्द। किसी निहंग सिंह नाल उहदा हुण थोड़ा रौला पिया ते निहंग सिंह नाल उहदा रौला पिया कोई अपने तरन तारण तो दीप निहंग दीप जुरत सिंह की करके पेज तो लाइव हुंदा हुंदा सिंह उहदे नाल हुण काफी उहदा चक्कर पिया सीगा बीबी का। ते उस बीबी ने उस भैन ने की मतलब क्या हैगा ठीक है उहनूं गल जिद्दां उह कर रही आ वी ओए निंगा ओए निंगा ओए निंगा ओह गंदे निकर वालिया गंदे कशहरे गंदी निकर वालिया मैली निकर वालिया इह जिहड़ियां गल्लां उह बीबी कर रही आ बहुत ज्यादा निंदण योग गल्लां है थोड़ियां नहीं बहुत ज्यादा निंदण योग। मैं उस कुड़ी नूं इह गल कहनी चाहुंदा कि भैण मेरी ये तू चाहे साडी छोटियां धीआं भैण आ साडियों ही आ। एक तैनूं मैं गल कहनी चाहुंदा कि इह जिहड़ियां तू गल्लां कर रही आ ना बाणे बारे हुण मैं दसदा एक मिनट थोड़ी चाह पी लईए उसने उस निहंग सिंह ते तत्ती हुई सी निहंग सिंह ते ज्यादा वह भैन उन्हें आपकी निहंग सिंह ते भड़ास कढ़न की जगह उन्हें की किया उन्हें बाणे नू ही टारगेट करता कशहरे नू जिहड़ा साढ़े पंज ककारां च कशहरा आउंदा बीबा तैनू शहरे पता नहीं भैन मेरीए एक कशहरा पंज ककारां च आउंदा है ते बाणे नू नीले बाणे नू पता की क्या उन्हें स्कल्ट के पता नहीं घघरा हां घघरा सॉरी कहनी नीला नीली घघरी पा के थले नी कहनी गंदा कशहरा पा के नीली घघरी पा के चोले नू नीले बाणे नू ते उस कुड़ी ने ना घघरी आख्या है। संगत जी मेरी उहदे नाल कोई दुश्मनी नहीं ना मैं उहनू कोई गलत शब्द बोलना है पर उस भैन नू इह गल ते माफी जरूर मंगनी पऊगी सिख कौम तो सिख कौम तो कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे चरणा च माफी मंगनी पऊगी उस कौम उस कुड़ी नू कि उहने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बाणे नू सच्चे पातशाह दा जिहड़ा बाणा ना इह नीला बाणा जिहड़ा प्रगट कीता ना उस कलगियां वाले पातशाह ने कीता है ते इस कुड़ी ने उस बाणे नू घघरा कहा है घघरी कहा है एक सिर्फ एक निहंग सिंह नू बुरा भला कहण वास्ते ते कुड़िए तैनू किहने अख्तियार दिता कि तू इस बाणे नू घघरी दसे देख तेरी मतलब खालिस्तानियां नाल तेरा रौला तेरा उस हर बंदे नाल भैण मेरी रौला जिहदे सिर ते दमाला है ते जिहदे सिर ते धड़ा है मूंह ते धड़ा है क्यों भाई की वजह की है रीजन की है इहदा कि भैण मेरी तैनू साडे नाल सिखां नाल मतलब क्यों नफरत है इन्नी तू खुद कहनी है कि मैं जट्टां दी कुड़ी हां मैं सिखां दे घरे पैदा होई हां फिर सिखां कोल ही नफरत क्यों है इन्नी। असीं तैनू कोई अपशब्द नहीं बोलना हैगा हुण तू वार वार इह गल कहनी आ कि एक जिहड़ा गुरु दा सिंघ आ सच्चा सिख आ उह धी भैण नू अपशब्द नहीं बोलदा ते की जिहड़ी गुरु दी उस गुरु गोबिंद सिंह दी धी आ कि उह बाणे वाले सिंघ नू ते बाणे नू अपशब्द बोल सकदी आ। इह किते लिखत विच गुरु साहिब ने आग्या दित्ती आ कि एक औरत किसे भी सिंघ दी बेइज्जती कर सकदी आ किसे भी सिंघ नू उहदे ककारां नू नौल सकदी आ उहदे ककारां दे बारे अपशब्द बोल सकदी आ गंदा लहजा इस्तेमाल कर सकदी आ। की गुरु साहिब ने किते इह लिखती रूप दे विच तुहानू दित्ता है
भैन मेरी ये बड़ी शर्म की गल आ, गरेवाल गरेवाल करके तू ये गल कहनी आ। मैं गरेवाल धीआं ठीक आ, तू गरेवाल धीआं भैने, गरेवाल किहड़ा आसमान तो आए आ, जम्मे तो इसे पंजाब च ही आ, इस पंजाब के रहने वाले आ, पंजाब की धरती के रहने वाले, इसे पंजाब की धरती से खेडे मिले तो वड्डे हुए आ। चलो बाद हरियाणा बन गया, हिमाचल बन गया, सी तो पहला पंजाब ही ना, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का ही ये एरिया से सारा, उन्होंने धरती है सारी ये। तो क्यों फिर असी ये सिखा टारगेट किया जा रहा, क्यों तेरे वालों ये इन्ने आप शब्द बोले जा रहे हैं। मैं तेनों साडे तो छोटी है, तो साड़ी भैन आ, एक तेनों मैं स्पष्ट गल दस देव, ये जो बाणा है ना, आ जो बाणा है, ये जो कशहरा है, साड़ी जान वसदी है, ये ककारा में, इन्हों ककारा में ना साड़ी जान वसदी है भैन मेरी, ये जान साड़ी जान वसदी है इन्हों पंजा ककारा में। तो इन ककारा बारे आप शब्द बोलना तेनू मतलब ना बिल्कुल भी तेरे वास्ते ठीक नहीं है। हाँ तेरी उस दीप नहिंग सिंह नाल तेरा कोई रौला है, तेनू ने अपशब्द बोलिया। मैं नहीं कहता कि दीप सिंह नू तेनू कुछ मंदा बोलना चाहिए, तेनू गाल कढ़नी चाहिए आ, मैं नहीं कहता भी कदे तेनू गाल हो जां तेनू कढ़नी चाहिए आ, पर तेनू भी नहीं बोलना चाहिए। उस दीप सिंह दे गुस्से विच तू इस ककारा ते अपशब्द बोले, तो यह भी तो तेनू शोभा नहीं दिता कुड़िए। जे तू सिखां दी धी आ ना, तेरे मूहों ये गल फबदी नहीं हैगी कि साड़ी धी होवे ते साड़ी दाढ़ी फड़े ते फिर वह साड़ी नहीं हैगी। फिर बड़े दुख नाल कहना पै रहा, फिर तू साड़ी जे दाढ़ी पुटदी है ना, फिर तू भी साड़ी नहीं हैगी। एक पासे तू कहिंदी मैं इस पंजाब दी पंजाबियां दी धी आ, गरेवालां दी धी आ, जे तू पंजाबियां दे सिखां दी धी आ तू, ते साड़ी है फिर। चलो हो सकता तू साडे गुस्से गले होवे, तू सिखां नाल तेरा कोई गुस्सा गला होवे, तेनू कोई रब जाने तेरे दिल दे विच की पड़ास आ जिहड़ी तू कढ रही आ, की मतलब कोई गल होगी, कोई मतलब दस सकदी आ तू खुल के वी मैनू इस चीज़ तो एलर्जी आ। पर है तां तू साडी होई आ, सिखां दी होई आ, ते अज सिखां बारे तेनू फिर भैण मेरी किहने कहा है, किहने तेनू हथियार दिता कि तू आपदे भैणां आपदे भरावां दीआं ते आपदे प्यों दीआं दाड़ियां बनाउणे, उन्हां दे ककार बनाउणे, उस कलगियां वाले पातशाह दे दिते हुए बख्शिश किते हुए ककार पंज, ते उन्हां नूं तू मतलब इन्ने भैड़े भैड़े आप शब्द बोले आ ना, बड़े दुख होया भैण मेरी, बड़ा दुख होया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुख होया जिहड़े तू आप शब्द बोले आ। इन्हां नीलियां बाणियां करके असीं साह लै रहे हां इस धरती विच, साडा एक जिहड़ा वक्खरा साडी वक्खरी पहचान आ ना, जिहड़ा तू वार वार कहनी आ ना कुड़िए नैसी गरेवाल, जिहड़ा तू वार वार कहनी आ कि मैं नैसी गरेवाल धीआं गरेवाल धीआं, जिहड़ी साडू इह पहचान दित्ती ना इन्हां बाणियां ने ते इन्हां कशहरां ने दित्ती आ। खोपड़ियां लवाईआं चरखड़ियां ते चढ़े आ, आरिआं नाल कटाए गए, देगां विच उबाले गए, बंद बंद कटाए आ। इन्हां कशहरां वालिआं ने जिन्हां नूं घगरी दसदी आ ना, जिहड़े कुड़ीए तूं घगरी दसदी आ नीले बाणे नूं, इन्हां नीले बाणिआं वालिआं ने बंद बंद कटाया अपना, सानूं साडे वर्गिआं नूं निकम्मिआं नूं इक वक्खरी पहचाण देण वास्ते, तेरे वर्गी धी नूं कौर कौर जिहदे नाम मगर कौर लगदा ना, उह साडे उस बापू दी, उस नीले बाणे वाले बापू दी देण आ, अज तेरे नाम मगर भी कौर लगदा जिहड़ा। ते किवें तू कह सकदी आ फिर नीले बाण नूं घगरी, किवें कह सकदी आ कुड़ीए, बहुत शर्म दी गल आ जिहड़ा तैनूं तू इस नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बाणी नूं घगरी कहा। ते मैं दिलों कहिंदा कुड़ीए तैनूं इह गल कि तैनूं इस चीज़ की माफ़ी मंगनी चाहीदी आ, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के चरणों में शीश झुका के तैनूं माफ़ी मंगनी चाहीदी आ। बोले चोनियाल सत श्री अकाल। भैन मेरीए माफ़ी मंगण नाल कोई छोटा नहीं हो जाता, पर माफ़ी भी तू कलगिया वाले तो मंगनी आ, जिदे बख्शे हुए ककारा नूं तू इन्ने आप शब्द बोले आ, एक नहीं एक बार नहीं वार 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 टारगेट किया। मैं बहुत टाइम का
कई गल्लां तू चंगियां भी कर दई आ, असीं तैनूं मैं सुणदा कई वारी बहुत वीडियो मैं तेरियां सुणियां है, ते कई गल्लां तेरियां चंगियां भी आ, पर आ गल जिहड़ी तू करती है ना ये बिल्कुल गलत आ। असीं इस तेरी गल दे नाल बिल्कुल नहीं सहमत है। इस बाणे ने ना आपां नूं ओह कुछ दिता है जिहदे करके अज तुसीं कनेडा अमेरिका इंग्लैंड विच बैठे हैं ना, इस बाणे करके बैठे हो। तुहाडी वक्खरी पहचान, तुसीं कौन आ, तुसीं सिख कौम नूं बिलोंग करते हो, सिख हो तुसीं, एक वक्खरी पहचान दित्ती है तुहानूं, तुहाडे नाम अगर कौर लगदा है। अज कल भावें तुसीं ये वैस्टर्न सभ्याचार नूं अपना लिया ते तुसीं अपने नाम नूं निक कर लिया हैगा, जे कोई सरबजीत कौर आ उहने कल्ला सरब कर लिया जां सब कर लिया, जे कोई मतलब जिवें हुण नवरीत कौर जिवें हुण आपां कह दईए तूं नैनसी कर लिया, इदां तुसीं कर लिया ओह गल वक्खरी आ, पर साडे नां दे मगर सिंह ते कौर उस बापू दी देण आ, उस कलमियां वाले दी, ते ओह नीला बाणा ही पहनदे सी। नीला बाणा जिहड़ा ना उन्होंने प्रगट किया है, ते असी तू बड़े बड़े तू मतलब लहजे दे नाल आम जी गल कह दित्ती, आम ही गल कह दित्ती उहने फोकी जी कि निंगा वो घगरी वालिया तू गंदी जी घगरी पा लेना है। बड़ी शर्म की गल है कुड़िए, बड़ी शर्म की गल। होर जतेंद्र सिंह ठीक ठाक आ वीर चढ़दी कला? जतेंद्र सिंह साढ़े नाल जुड़े आ, जतेंद्र सिंह वीर वीडियो शेयर करो, मेरा वीर वीडियो भी शेयर करो। वीडियो ये ना मतलब आप देखो साड़ी अपनी भी धी है, अपनी भैन आ, वह नैनसी कुड़ी जिहड़ी कनेडा विच रहिंदी आ, साडा फर्ज आ उहनूं समझाउणा कि तू इत्थे कुड़ीए आ जिहड़ा तेरा रस्ता है ना ये हुण तू रस्ता गलत फड़ लिया है, ये रास्ता तू गलत फड़ लिया, ये रास्ता तेरे वास्ते नहीं हैगा। मतलब हर गल दे विच आपां सही नहीं हो सकते गे, भी सारियां गल्लां विच नैनसी सही आ ते दूजे गलत आ, क्यों? क्योंकि नैनसी इस वक्त सीधा सीधा बाणे नूं ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे ककारां नूं टारगेट कर रही आ, जिहड़ी बर्दाश्त करन वाली गल नहीं हैगी। ए धीए ये तू बहुत वड्डी भुल कर रही आ, देख तू नहीं मंगनी माफ़ी, गुरु साहब के चरणों च माफ़ी नहीं मंगनी, वह तेरा आपका निजी फैसला है, कोई असी तेरे प्रैशराइज नहीं करते हैं, ना साडा कोई असी तेनों कोई ये कहना भी तेनों असी कर देंगे नहीं, पर एक तेनों आपकी धी भैन होने के नाते ये समझा रहे हैं भी हुण तू ना हद बन्ने धीए पार करते आ, बोली भाषा में लैंग्वेज हद बन्ने पार करके ना हुण तू सीधा उस कलगियां वाले पातशाह के पंज ककारां ते पहुँच गई, जिहड़ी गल बिल्कुल गलत आ, नहीं चाहिए गल। ये गल्लां साढ़े जे असी मान लो सिखां दे बच्चे सिखां दीआं कुड़ियां अज जे ये गल्लां करनगियां साढ़े दाड़ियां नूं साढ़े दमालियां नूं साढ़े चोलियां नूं साढ़े कशहरियां नूं जे साडियां धीआं साडियां भैणां टारगेट करनगियां ते दूजे नूं तां बड़ा सौखा है, दूजे नूं तां बड़ा सौखा है। ठीक है दीप नहिंग ने तेनों कुछ कहा कुड़िए, असी नहीं मैं कदे नहीं कहूँगा कि दीप नहिंग तेनों माड़ा चंगा कहे तेनों गाला कढे, उन्होंने भी कहोंगे कि भरावा अपनियां ही आ, कोई गल नहीं, अपने बच्चे घर में भी अपने बच्चे कई बार जो अपने चार बच्चे आ ना जो दो बच्चे आ तो एक बच्चा अपने कई बार माँ प्यो रुस के इधर उधर भटक जाता है तो राह कोई होर फड़ लैंदा है तो आपां उहनूं कुटमार के घरों नहीं कढदा, घरों कढ दिंदे गे। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਆਵਾ ਉੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਉੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ?
आवा बिलकुल उत्या वीरो मतलब ना जिदे मूह च जो आ मतलब बोल जाता है किसी नू कोई मतलब नहीं गा असि कहने ना अज के समय च जे असी सोचिए कि अज जो सिख आ सिंह वो पढ़ लिख के तरक्या करके तो बहुत मल्ला मार लिया तो मैं कहना नहीं जो सिंह जो सिख अनपढ़ से ना जो अनपढ़ कौम से सिख जो अनपढ़ता साढ़े बच्च साढ़े वड़े रह तो उदो उन्होंने प्यार मुहब्बत दीन अमान आपके व्ड्या प्रति रिस्पैक्ट इज्जत माण धियां चर सिर त चुन्नी नहीं लिया स अपने व्डे सामने तो यह सब साडा भाईचार सांझ आपस में सी तो हूँ जदों के असी पढ़ लिख ले हाँ तो असी असी कहने असी तरक्या कर लिया वो असी कोई तरक्या नहीं की असी अपना आप असी अपना भाईचारा असी अपने वो दस गुरुआ के सिद्धांत वो असी छड़ते आ छड़ के असी ना तो अपने आप न ही मतलब बहुत व्डे विद्वान समझ लग गए हाँ असी विद्वान नहीं है ना असी कदे विद्वान बन सकते हाँ असी बेवकूफा तो बेवकूफिया करके असी अज आपकी कौम जड़ा दे कौम जड़ा दे विच तेल पा के उस कौम का बेड़ा गर्क करन ते लगे हुए हैं तो लोग ना लोग अज अज दे टाइम च लोग साडे तो हसदे आ लोग साडे तो अज दे टाइम च हसदे आ साडा तमाशा बनाया जांदा है कि ये जिहड़े सिख आ ना ये आप ही आपदियां दे भेत खोल खोल के अपनियां नूं अपनियां दे भेत खोल दे आ अज हुण ते असी अपने दे भेत खुल के ते अपने दी बदनामी कर रहे हैं अज असी हुण तू साडी धी हाँ सिखां दी धी हाँ सिखां दी कुड़ी ते असी सिखां तां साडी होए हां तू अज असी तैनू दो शब्द गंदे मंदे बोलीए ते किहनू बोलांगे असी नैनसी किहनू बोलांगे असी जे तैनू बोलांगे ना ते असी अपने आप नूं बोलांगे तैनू जे दो शब्द मारे बोलते ना ते तैनू नहीं असी अपने आप नूं बोलांगे इस करके धीए भैने अपने आप नूं कंट्रोल विच रख के ठीक है सोशल मीडिया ते एक्टिव रहना है कोई गल नहीं रहो सोशल मीडिया ते चंगीआं गल्लां करो समाज नूं सेध दिओ जिथे किते कोई गल हुंदी आ ठीक है तेरा खालिस्तानियां नाल चक्कर पै गया तेरा उहदे नाल चक्कर पै गया ठीक है तू आपदा कर पर जिथे जाके साडे सारी कौम का सीस साडा झुक जांदा ना जिथे जाके उस जगह ते जाके अपने आप नूं नपसा मेरी भैण उत्थे नपसा उस बाणे अगे वह बाणा वह कलगिया वाले पातशाह का बाणा तो उत्थे तू आके बड़ी भुल कर रही है जिहड़ी बिलकुल गलत आ ते तैनू चाहे तू मेरे बारे जो भी कहे वीडियो पा के मैनू मंदा कहें चंगा कहें जो मेरे बारे माड़ा बोलना बोल ली पर एक दिन अज पूरी संगत सुनती है गल नू एक दिन इस गल का तू बिल्कुल एहसास जरूर करेगी कि किसी टाइम मेरे भरा ने जां प्यो ने जां किसी ने मेरे तो वड्डे ने कि मैनू यह गल बिल्कुल कही सी कि मैं उस टाइम उत्थे बाणे बारे ककारां बारे गलत बोल के ते मैं गलत किया ते मैं कौम तो जां गुरु साहब तो माफी भी नहीं मंगी ते मैं गलत किया ते एक दिन इस चीज़ का तैनू एहसास जरूर होगा ये गल याद रखी मेरी भैन तो कदे भी भुल के भी ककारां बारे बिल्कुल मंदा नहीं बोलना ये अगे तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये ककार किसी बंदे ने नहीं दिते गए एक ककार किसी आम बंदे नहीं पवाए हैगे सरबंस दानी नीले घोड़े का सवार सुनहरी बाजा वाले पिता के पवाए हुए ककार है ये आपा वालिया सरबंस वालिया फिर जाके ये ककार मिले आ खून दे विच भिउं भिउं के ना एक ककार बने आ अपने परिवार की रत्त विच भिउं भिउं के ककार बनाए आ पातशाह ने फिर जाके ककार पाए सिंघां दे भैण मेरी ये सारे कोई माड़े नहीं हुंदे हैगे ना सारे गंदे हुंदे आ ते इस नीले बाणे नूं भुल के भी कितें घगरी कहण दी गलती ना करी मेरी भैण बहुत ज़्यादा अज नहीं भुल के भी कितें घगरी कहण दी गलती ना करी मेरी भैन बहुत ज्यादा अज नहीं कल एक दिन जरूर पछताएंगे एक दिन जरूर पछताना पेगा उस गुरु
पातशाह अगे तेन पछतावा होगा किसी बंदे नूं दसे चाहे ना दसे पर तू एक दिन गुरु पातशाह अगे पछतावा जरूर करेंगी। ये तेनों ये आपके भरा वालों समझ ला या वीर वालों तेनों एक गल एक सहजे तौर पर कह रहा है ये गल बिल्कुल तेनों नहीं करनी चाहिए है इन एक बेनती प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।